हिबा, आपने तो अच्छी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर की हैं। कितना टाइम लगा था चूज़ करने में? चूज़ करने में टाइम नहीं लगा था, लाइक मेरे पास मैसेज आया कि आपको रेफ़र किया है आयशा ने, तो उसके बाद मैंने आयशा का भी थैंक्स करना चाहिए वैसे। अच्छा, तो फिर बात की आप क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, तो मुझे आइडिया था ये मैं से अच्छा बना लेती हूँ। सही है, वाह। देखें इसका टेक्सचर कैसा, भी मैं इसको भी टेस्ट करके बताती हूँ। जिंजर ऐड करेंगे इसमें। ओके, पेस्ट टाइप बनाया है। क्रीम है, मक्खन है, थोड़ा जीरा अभी तक नहीं डाला, मैं एंड में डाल दूंगी बिल्कुल। इसको थोड़ा सा कलर आएगा, हल्का सा कलर तो ऐसे नहीं आएगा, बस ये हल्का कोको का हो। ठीक, एक तरह से बन तो गया है ना, मैं ज़रा सा टेस्ट करूँ इसका फ्लेवर। ठीक, बहुत मुख्तलिफ। सॉल्ट का रेशो बता दें। सॉल्ट का सब बता दूँगी मैं, फिक्र नहीं करूँ। खुशबू बहुत मज़े की है। शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ मज़ा आ जाएगा आपको ये खा के। बहुत मज़ेदार है, परफेक्ट है। सॉल्ट भी परफेक्ट। हाँ, हल्का सा उसमें क्यूमन पाउडर ऐड करूँगी। इतना सारा मक्खन और क्रीम डाली है हमने, वो नज़र नहीं आ रहा कहाँ गया वो पता चलेगा खाने के बाद। अच्छा, अब ज़ीरा आपने ऐड कर, बहुत मज़े का और बहुत मुख्तलिफ है। चिकन को आपने कुक किया और फिर पीसा है जी, वेरी नाइस। वाह वाह, इसको थोड़ी देर स्टीम में पकने देंगे। हाँ, ये अक्सर बनता रहता है आप लोगों के घर? जी ये बनता है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त भाई। आज बहुत ही मुख्तलिफ से हमने आपको फ्राइड कबाब्स भी बनाना सिखाए, चॉकलेट लावा केक, एक हमारी वो चिकन जो हमने बनाई टोर्नेडो सॉस के साथ, वो भी बहुत मज़े की एक रेसिपी रहती है, और वो है ड्रिंक की। एक ब्रेक है, ब्रेक से आने के बाद हम आपको वो भी सिखाते हैं। चिकन फ्राइड सीख कबाब, अजसा तेल 10 मिलीलीटर, कटी प्याज 40 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 20 ग्राम, चिकन का कीमा आधा किलो, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इसी हल्दी एक चौथाई चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, इसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़ायका, कटी हरी मिर्चें 25 ग्राम, मक्खन 70 ग्राम, दही 83 ग्राम, क्रीम 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर पानी, अदरक जुलियन 10 ग्राम, कटा धनिया आधी गट्ठी, पिसा जीरा एक चाय का चमचा। तरकीब, तेल को गर्म करके प्याज को सौते कर लें, अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें, फिर इसमें चिकन का कीमा डालकर तेज़ आंच पर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब जीरे के अलावा तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें, जब कीमा पक जाए तो उसे उतारकर ट्रे पर फैलाएं और ठंडा कर लें। अब इन्हें प्रोसेसर में चॉप कर लें, उसके बाद एक पैन में मक्खन पिघलाएं और कीमा शामिल करके तेज़ आँच पर पकाएं। अब इसमें दही और पिसा जीरा डालकर 7 से 8 मिनट तक पकाएं, फिर इसमें क्रीम शामिल करके हल्की आंच पर पकाएं। अब इसे ढककर पकाएं और हरी मिर्चें, कटा धनिया, जुलियन अदरक और नमक डालकर पकाएं। आखिर में कोयले का धुआं दें। चोको लावा केक, अज्जा, चीनी 1 कप, मैदा 312 ग्राम, कोको पाउडर 187 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, अंडा 1 अदद, गर्म पानी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, गनाश के अज्जा, क्रीम 100 मिलीलीटर, चॉकलेट 100 ग्राम। तरकीब, अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट के लिए पहले से गर्म कर लें, एक प्याले में खुश्क अज्जा को मिलाकर छान लें, अब चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दें, फिर इसमें तेल, वनीला एसेंस और अंडा डालकर अच्छी तरह मिलाएं, अब इसमें गर्म पानी डालें, फिर चॉकलेट को पिघला कर इसमें क्रीम डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, गनाश तैयार है। उसके बाद अमेजे को रेमेकिन में भरें, फिर इसमें गनाश भरें, आखिर में इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट बेक कर लें। चिकन रोलाट विद टोर्नेडो सॉस, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, काली मिर्च हस्ब ज़ायका, नमक हस्ब ज़ायका, हेलिपिनो 3 से 4 अदद, पालक 1 पत्ता, चेडर चीज़ 10 ग्राम, टोर्नेडो सॉस के अज्जा, तेल 2 चाय के चमचे, कटी प्याज 2 चाय के चमचे,
कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, थाई चिली 1 अदद, सॉस 4 चाय के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, क्रीम पतली की हुई हसबे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हसबे ज़ायका, चेडर चीज़ 50 ग्राम। तरकीब, चिकन ब्रेस्ट पर कट लगाकर हैमर से कूट लें। अब मस्टर्ड पेस्ट को चिकन ब्रेस्ट पर लगाकर काली मिर्च और नमक को छिड़कें, फिर पालक के पत्ते को रखकर इसमें हैलेपिनो और चेडर चीज़ डालें और फोल्ड करके धागे से बांध लें। अब मक्खन को पैन में डालें और ओलाच को भूनें, फिर इसे 20 मिनट के लिए अवन में रख दें। टोमेटो सॉस की तरकीब, तेल को गर्म करके प्याज को सौते कर लें कि वो नरम हो जाए। अब इसमें लहसुन डालकर सौते करें, फिर इसमें कुटी लाल मिर्च, सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, सफ़ेद मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें पतली की हुई क्रीम डालें और उबाल लें। अब चेडर चीज़ शामिल करके 1-2 मिनट के लिए पकाएं और रुलाट के साथ सर्व करें। मिंट लेमनेड अज्जा, पुदीना 10 पत्ते, लीमू का रस 20 मिलीलीटर, शुगर सिरप 25 मिलीलीटर, ड्रिंक 1 कैन, आइस क्यूब्स 4-10 अदद। तरकीब, तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, आखिर में ग्लास में सर्व करें। मिंट लेमनेड अज्जा, पुदीना 10 पत्ते, लीमू का रस 20 मिलीलीटर, शुगर सिरप 25 मिलीलीटर, ड्रिंक 1 कैन, आइस क्यूब्स 4-10 अदद। अच्छी खासी मैं ब्रेक में वहाँ बैठी हुई थी, इससे दूर थी, अब मैं जैसे यहाँ आई मेरा हाथ चलने लग गया। यही होता है, खाने की चीज़ आप लेकर ही ना आया करें और ना फ्रिज में होनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट टिप है अगर जो लोग डाइट कर रहे हैं। अच्छा जी, कबाब ज़रा आप देख लीजिए, इतने कोई लजीज बने हैं ये पराठों के साथ, इनका जो मज़ा आएगा। और इसमें आपने एंड में क्या किया था, भूनने के बाद योगर्ट ऐड की थी, हाफ कप के करीब योगर्ट थी, हाफ कप से कम होगी थोड़ी। ठीक है, ये तो आप तब भी कर सकते जब आपने मसाले बाद में डाले। जी जी, उसी टाइम आपने इसको जब क्रीम डाला आप दही भी ऐड कर लें। और आप कह रहे हो कि इसमें कोयले का धुआं देते हो। जी, कोयले का स्मोक देता है वो, जो खुशबू आएगी वो बहुत मज़ेदार बने, मतलब कोई खाए तो बता ना पाए कि ये कैसे बनाए हैं। बहुत मज़े के, ज़रूर ट्राई करना है आपने। अब आप आ जाओ ड्रिंक पर, मैं ये रखती हूँ जाके। सबसे पहले मैं शुगर सिरप बनाऊँगी, चीनी ऐड करूंगी, मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़, ये जो आपने कबाब बनाए इसमें आपने खूब सारा मक्खन डाला और थोड़ा ऑयल डाला। जी, ऑयल डाला, एंड में थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाला क्योंकि एक शक्ल जो एक रंगत आनी चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम इसको ऑयल में बनाएं, हाफ ऑयल में और हाफ बटर एंड में ही डालें। हाँ, आप एंड में आप ऊपर से डालने का बोल रहे हैं, ऊपर से अगर डालें तो वो नज़र नहीं आएगा या उसका। हाँ, आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। डाल सकते हैं तो वो लगेगा भी कि जैसे मक्खन है, गीला गीला नज़र भी आएगा ऑयल, क्योंकि फ्लेवर बहुत मज़ेदार है इसके। तो आप पराठा रोल भी बना सकते हैं, कच्ची प्याज वो डालकर चटनी के साथ मज़ा आ जाएगा। ये शुगर सिरप बन गया। ठीक है, पानी के साथ जी 25 ml आप लेमन जूस लेंगे। ठीक है, 9-10 मिंट लेंगे। ठीक है, ये मिंट लेमनेड तो आप लोगों ने काफ़ी वैसे आता होगा सबको बनाना, सिंपल सी ड्रिंक है। वाइट ड्रिंक लेंगे कोई भी। ठीक है, एंड दैट्स इट, क्रश्ड आइस जितनी होगी उतना मज़ेदार। हेबा, आपको कैसा लगा आज का शो करके? बहुत मज़ा आया आपके साथ। हाँ, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। आयशा को जाकर क्या बोलोगी? थैंक यू बोलूँगी। क्रेडिट उसको जाता है, देखो या जरिया वो बनी। जी। इनफैक्ट आयशा आई थी, पता नहीं कौन आया था, कौतम से ही आया था, साबिल आई थी। हाँ, तो मैंने कहा था आपका ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अब आप जाकर दूसरों को भी कन्विंस करेंगे। जी, तो हिबा आपका भी कुछ ऐसा इरादा है कि अपने और किसी कुली को कन्विंस करोगे? ड्रिंक भी तैयार, हर चीज़ बहुत मज़ेदार,
आज मज़ा आया मेन्यू में, खाना बहुत मज़ेदार था। इवन कि ये कबाब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रात 9 बजे हमारा शो रिपीट होता है, वो देख लीजिएगा। और दैट्स इट, अब हमारी आपकी मुलाकात होगी 14 अगस्त को हमारा स्पेशल शो होगा, जश्न आज़ादी के हवाले से होगा। थोड़े से मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, उनको बुलाएंगे, वो मेहमान जो हमारा प्राइड है, यू नो, कामयाब पाकिस्तानियों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जो कुकिंग होगी वो भी ज़बरदस्त है, हमारे एक शेफ़ हैं वो आपको सिखाएंगे। मुख्तलिफ कल्चर्स के एक एक रेसिपी हमने ली है, वो जिसमें सिंधी भी है, पंजाबी भी है, और इस तरह से हम आपको बताएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। अब हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, हिबा हम जा रहे हैं, जाते जाते कुछ अगर कहना चाहें कुछ मतलब मैंने इस शो में आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है, आप भी आएँ इसमें ट्राई करें। जी हिबा सही कह रही है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, आर प्लेजर हिबा, टोटली आर प्लेजर। और आप लोग भी हमारे शो पर आ सकते हैं, लाइवली वीकेंड्स एट मसाला TV.TV हमारा ईमेल एड्रेस है। क्या करना है, अपना टेलीफोन नंबर, अपनी तस्वीर, हमें 9-10 रेसिपीज़ के नाम के ऑप्शंस भेज दीजिए जो आपकी फैमिली की स्पेशल हैं, उनमें आप ख़ास लिख दीजिए कि ये हमारी ख़ास ख़ानदान में बनी जाती है। फेसबुक पर भी ये क्लिप है, आपको अगर कोई चीज़ मिस आउट हो गई तो आप हमें वहाँ से देख सकते हैं, फेसबुक पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। आइए हमारे शो पर और सिखाइए सबको और बताइए सबको अपना टैलेंट। हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, अच्छा कीजिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पकाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। Lively weekends.